फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इफ आ का मतलब एक पेयर लेना है बस, है ना, एक पेयर लेना है बस, ध्यान रखिएगा दोनों नहीं। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक कोरिलेटर आर इक्वल, मत बात समझो बच्चों, कोई साइक्लिक कोरिलेटर है तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट, और ये देखिए एक साइक्लिक कोरिलेटर हमने बना लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है क्योंकि सर्कल ही नहीं अच्छा बना है, तो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, इसको आप सर्कल अज्यूम कर लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बन के आएगा, करेक्ट, ये देखिए ये ए बी सी और डी, सुनो कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या ये स्क्वायर है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या ये पैरेललोग्राम, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक, बस मैं कह रहा हूँ कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बस, ठीक, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल ए बी सी डी, ये सर्कल पे लाई करते हैं और उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ए 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 180, जिसका काम पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, बच्चों ऑपोजिट साइड के टू पेयर है यहां पर, कौन कौन, फर्स्ट पेयर जो है वो ऑपोजिट साइड का वो क्या है, ए बी और सी डी, है ना, ए बी एंड सी डी, ये फर्स्ट पेयर है, और जो सेकंड पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो कौन है, बी सी और ए डी, है ना, बी सी एंड ए डी। तो यहां पर ऑपोजिट साइड्स के आपको टू पेयर दिखाई पड़े, आपको एक ही लेना है इसमें से, तो हम कोई भी एक चूज कर लेते हैं, तो हम सपोज फर्स्ट वाला चूज कर लेते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, मतलब एक पेयर चूज करो और एक पेयर ऑपोजिट साइड का चूज करने के बाद जो साइड्स आपको दिख रही हो उसको आप इक्वल ले लो, यानी कि हमने चूज किया किसको, ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी ये ऑपोजिट साइड्स हैं, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसको हम इक्वल ले लेते हैं, यानी कि एक तरीके से बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक तरीके से, क्या गिवन है, डायरेक्टली तो नहीं गिवन है लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है कि भाई ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, सी डी के, ओके, सो दिस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना लिया, कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, प्रूव दैट इट्स डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, किसके डायगनल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के डायगनल बच्चों, ठीक है, आप सुनिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के डायगनल कौन कौन से हो जाएंगे, ए सी और बी डी, तो आपको प्रूफ क्या करना है, पीटी मतलब प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए सी का लेंथ बाई डायगनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी का लेंथ बी डी के इक्वल प्रूफ करना है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, करेक्ट। अब सुनो, लेट अस से कि डायगनल ए सी और बी डी पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करते हैं, एम बोल दो, ओ बोल दो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है क्या ये सर्कल का सेंटर है, हाँ भाई सच में तो है, सच में तो है, क्योंकि पता है ये है आपका एक तरीके का पैरेललोग्राम और उसमें भी ये रेक्टेंगल है, अब उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन पता है अभी के लिए आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है कि ये सर्कल का सेंटर है कि नहीं है, बट बस आपको सिंपली ये बोल देना है कि डायगनल ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एन पर, लो हमने इसका नाम एन रख दिया, सारा झंझट ही हमने खत्म कर दिया, अगर हम ओ बोल देते तो आप बोलते कि सर्कल का सेंटर है, अगर हम एम बोल देते तो आप बोलते सर क्या ये ए सी का मिड पॉइंट है, सर क्या ये बी डी का मिड पॉइंट है, यही सब बोलते आप, ठीक है ना, हमने झंझट ही खत्म कर दिया, हमने बोला कि लेट अस से ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एन, ठीक है, तो लेट डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, लिख रहा हूं बाइसेक्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, इंटरसेक्ट एट ये देखो ए सी बी डी कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एन पे, डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एन शोन इन द फिगर, ओके नाउ अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए सी का लेंथ किसके इक्वल प्रूफ करना है, बी डी के, ठीक है ना, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ओके सो यस, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर ये देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ओके तो ये देखिए अगर आपके पास एक सर्कल है और ये देखिए यहां पर हमने बनाया कॉर्ड बी सी,
ठीक, और दो पॉइंट चूज कर रहे हैं यहाँ पर ए, सो एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे अगर हम डी चूज कर लें एंगल बी डी सी के, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यस और नो। सो ये देखो ये बी सी है, अगर हम इसको यहाँ से रब कर दें थोड़ी देर के लिए ए डी को, सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये वाला सपोज ये एंगल वन है और ये क्या है एंगल टू है, करेक्ट, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ओके। तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर देखिए जरा, अगर हम ए डी को वापस से ज्वाइन कर दें और अगर हम बी सी को यहां से रब कर दें, सो ये देखिए ये ए डी है, इधर एक सेगमेंट बन रहा है और एक सेगमेंट उधर बन रहा है, करेक्ट, यहां पर आप देख सकते हो उस तरीके से, ये देखिए ये देखिए ये ए डी है, करेक्ट, एक सेगमेंट इधर है एक सेगमेंट उधर है, अगर हमने यहां पॉइंट बी चूज किया और यहां पॉइंट डी चूज किया, सो एंगल ए बी डी, ये वाला जो एंगल होगा लेट अस से 3, वो एंगल ए डी, सॉरी ये वाला सी है ना, वो एंगल ए सी डी के इक्वल होगा, करेक्ट, यहां पे आप देख सकते हो ये एंगल 3 है, ठीक है, और ये क्या है एंगल आपका 4 है, करेक्ट। बी को सी से हम ज्वाइन करेंगे वापस से आपको दिखाने के लिए, ताकि फिगर तो पूरा दिखाई पड़े ना, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन क्या है बताइए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिए यहां पर, क्या बहुत ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ए एन बी और ट्राइंगल सी एन डी क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यस सर, एंगल साइड एंगल से, क्यों, क्योंकि हम अज्यूम करके चले थे शुरू में कि ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, सी डी के, करेक्ट, तो हम लिख भी सकते हैं, देखिए हमने लिखा इन ट्राइंगल ए एन बी एंड ट्राइंगल, अब देखो इधर से आप ए एन बी कर रहे हो तो इधर से आप डी एन सी मत लिखो, इधर से आप सी एन डी लिखो, क्यों लिखो, क्योंकि आपने ट्राइंगल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको करस्पॉन्डेंसी रूल याद होंगे, ओके। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, देखो वन अभी हमने किसके इक्वल दिखाया था, टू के ना, यस, तो कोई बात नहीं, ए की पोजीशन डी लेगा, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक भाई, वन किसके इक्वल था, टू के, चेक करो ना, वन टू के इक्वल था और थ्री किसके इक्वल था, फोर के, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम आपने ए एन बी रखा तो इसका नाम आप सी डी एन रखोगे, ओके, ट्राइंगल सी डी एन में, ठीक है। देखिए जरा बहुत ध्यान से चेक करना, ये वाला जो एंगल है, देखो थोड़ा थोड़ा पहले फील कर लो, क्या फील करोगे, ये वन किसके इक्वल है, टू के, सही है, तो ए करस्पॉन्ड होगा किसके, डी के, थोड़ा थोड़ा फील कर लो पहले, ठीक, उसके बाद एंगल थ्री किसके इक्वल था, फोर के, तो बी करस्पॉन्ड हो जाएगा सी के, ये सुनो, करेक्ट, उसके बाद आपके पास ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या बचा, एन, तो एन करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, नीचे वाले ट्राइंगल के, एन के, करेक्ट, यानी कि ट्राइंगल ए बी एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी एन, कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, फिर ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, डी सी के, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल, यहां से भी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, क्या ध्यान से चेक करिए, देखो हम ऐसे लिखेंगे एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी डी एन, एंगल सी डी एन, ठीक है, ये क्यों था, ये देखो ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, ठीक, सो वन टू के इक्वल था ना, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, अरे ये वन है, बी ए एन क्या है, वन है, चेक करो, बी ए एन वन है और सी डी एन क्या है, टू है ना, सो बी ए एन इज इक्वल टू सी डी एन, उसके बाद ये एंगल ले लिया, तो यहां से ये एंगल ले लिया, फिर ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, ए बी इज इक्वल टू डी सी, गिवेन है ये क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर है ऑपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल है, उसके बाद ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू, एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू एंगल डी सी एन, ये सुनो, एंगल डी सी एन ये कहां से किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, ओके, इक्वेशन नंबर टू से, क्योंकि थ्री फोर के इक्वल था, तो बाय बाय व्हाट, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल ए एन बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट,
इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? डी एंड सी. डी एंड सी, यस और नो? करेक्ट. अब एक बार बताइए बच्चों, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए एंड बी और डी एंड सी, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी यहां सर, यहां से. करेक्ट. और सीपीसीटी लग जाएगी तो जो ए एन का लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? डी एन, है ना. ये ए एन का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा? डी एन के. और ये एन बी का लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा? सी एन के. ठीक है. सो लिखते हैं एक बार, ए एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी एन. ए एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी एन सीपीसीटी से, है ना. सो यहां से देख लो ना, ए एन इज इक्वल्स टू डी एन और बी एन इज इक्वल्स टू सी एन. ये सुनो, बी एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी एन हो जाएगा. कोई डाउट है? सीपीसीटी से. ओके. सो यहां से हम एक काम करते हैं बच्चों, यस, बहुत ध्यान से चेक करिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं. देखो यहां पे देखिए, ये देखिए, बहुत ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स. ए एन इज इक्वल्स टू डी एन, ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया. ए एन इज इक्वल्स टू डी एन, ठीक. और ये देखिए, बी एन अगर सी एन के इक्वल है तो हम सी एन इज इक्वल्स टू बी एन भी तो लिख सकते हैं, ठीक. तो हमने क्या लिखा? सी एन इज इक्वल्स टू बी एन हमने लिख दिया. करेक्ट. ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4. अब ऐसा क्यों किया? इसको इधर उसको इधर क्यों लिख दिया? क्योंकि पता है मैं क्या देख रहा था? मैं देख रहा था मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी प्रूफ करना है, ये बात मुझे प्रूफ करनी है. तो ए सी किससे किससे मिलके बना है? ए सी, भाई ए सी की जगह क्या आना चाहिए? ए एन प्लस सी एन. ये सुनो, ए सी की जगह अगर क्या आ जाए, ए एन प्लस सी एन अगर कहीं मिल जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ए सी, सही है. और इसी तरीके से बी एन प्लस डी एन अगर मिल जाए कहीं, बी एन प्लस डी एन अगर कहीं मिल जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? बी डी, क्योंकि बी डी किससे मिलकर बना है? बी एन प्लस डी एन से. तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख लिया. क्यों? ताकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या कर दें? ऐड कर दें. सो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इक्वल लगा देंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में. तो हम यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. करेक्ट. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. ठीक है. कैसे ऐड करोगे? ठीक है. ए एन प्लस सी एन, ए एन प्लस सी एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी एन प्लस बी एन लिखो, चाहे बी एन प्लस डी एन लिखो, बात क्या है? सेम, बी एन प्लस डी एन. सो आप फिगर देखिए और देखिए, ए एन प्लस सी एन कितना है? ए एन प्लस सी एन, ए एन को सी एन में ऐड कर दोगे तो ए सी आ जाएगा. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल्स टू बी एन को डी एन में ऐड कर दोगे तो बी डी आ जाएगा. सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी डी. ये लीजिए. सो ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? बी डी. ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? बी डी आ गया. यही चीज हमें प्रूफ करनी थी. करेक्ट. मतलब अगर किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो पक्का उसके डायगनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. कोई डाउट है? बताइए. हाँ, ठीक है ना. तो इस तरीके से ये हमने आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 12.